फुसफुस संक्रमण कारण पूर्वतन राष्ट्रपति प्रणब मुखार्जी स्वास्थ्यावस्थार अवनति घटी आर्मी रिसर्च एंड रेफराल हस्पिटाल पक्षर ही सूचना दीजाई। प्रणब मुखार्जी एवं भेन्टिलेटर अच्छा कि आज सका प्रणब पुओ पूर्वतन सांसद अभिजित मुखार्जी कहते बापा उन्नतिर लक्षण देखा। ट्वीट कर से लिखी है लोकों शुभेच्छा और डाक्तर निष्ठापर उद्यम जो बापा स्वास्थ्यावस्था स्थिर अच्छी गुरुत्वपूर्ण अंग प्रत्यंग शरीर तापमात्रा रक्तचाप हृत्स्पंदन और श्वास प्रश्वास धारा ठिक नियंत्रणाधीन रही यार किसी समय पर डाक्तखाना पक्ष जारी होता सूचना कहु 84 वर्षीय पूर्वतन राष्ट्रपति फुसफुस संक्रमण जो स्वास्थ्यावस्था अवनति घटी। केन्द्रशासित अंचल जम्मू काश्मीर को नहीं सरकार का बड़ निष्पत्ति जम्मू काश्मीर 10,000 अर्ध सामरिक बल को फेर आने आदेश दी जा। जम्मू काश्मीर वर्तमान स्थिति अनुधान पर ही निष्पत्ति नहीं गृह मंत्रालय सीआरपीएफ नियोजित कर समीक्षा पर यह निष्पत्ति गत वर्ष धारा 370 उच्छेद पूर्व जम्मू काश्मीर सैन्य संख्या वृद्धि करा जो सामिल थे 100 सीएपीएफ कंपानी वर्तमान ही जवान को सेमानंकर बेस लोकेशन को पठाजा। यह पूर्व मे मस गृह मंत्रालय पक्ष प्राय 10 सीएपीएफ कंपानी को फेर दीजाई। वर्तमान काश्मीर उपत्यक प्राय 60 बाटालियन रे प्रत्येक बाटालियन में प्राय 1,000 जवान अच्छा। सुशांत मामलार तदंत एवं सीबीआई कर मुंबई पुलिस तदंतर हिसाब ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई देखिए जो मुंबई पुलिस मामलार तदंत करा केवल लोक देखाणिया काम करुला। सुप्रीम कोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय दे सुशांत मामलें सीबीआई तदंत को मंजूरी देते सुशांत केस रे सस्पेंस रो दि एंड सुशांत केस रे राजनीति रो खेल शेष सुशांत केस रे तदंतर रास्ता परिष्कार सुशांत केस रे सुप्रीम कोर्ट को बड़ निष्पत्ति सबुठारु बड़ एजेंसी को तदंत दायित्व। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टैंड टुगेदर एंड demand for CBI inquiry for Sushant. सारा देश देखुथिला परिवार अपेक्षा करथिला सुशांतक प्रशंसक अथय हेउथिले न्याय को नहीं प्रश्न उठुथिला मनरे केवल गोटे प्रश्न थिला सबुठु बड़ अदालत निष्पत्ति कौन हेबो। पूर्वाह्न ठीक 11टा रे जस्टिस ऋषिकेश राय सुप्रीम कोर्ट रे निज चैंबर को आसिले आ स्पष्ट भाबे जे राय दले तापरे आउ कौनसी प्रश्नर अवकाश रहिला नाही। सीबीआई ही सुशांत मामलार तदंत करिब महाराष्ट्र सरकार सीबीआई तदंतरे सहयोग करिबे महाराष्ट्र सरकार को आदेश पालन करबा को हेबो। मुंबई पुलिस तदंत सह संपर्कित सब दस्तावेज और प्रमाण सीबीआई को देबे। बिहार पुलिस एफआईआर रुजु करबा ठीक थिला मुंबई पुलिस तदंत नुहे केवल इनक्वारी करिछि बिहार सरकार को सीबीआई तदंत सुपारिश ठीक थिला महाराष्ट्र सरकार यही राय को चैलेंज करि पारिबे नाही। सुशांत सिंह राजपूत को मृत्यु खूब संगीन मामला आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिसडिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैम्प दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है वो एफआईआर दर्ज भी वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के मामला रे आउ किंतु परंतुर कोनोसी संभावना छाड़ी नाहंती अदालत निज आड़ सीबीआई तदंत आदेश दैछंती अर्थात एही राय को चैलेंज करिवार रास्ता भी बंद हो जाइछि। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहिछंती जे मुंबई पुलिस सीबीआई को केस डायरी हस्तांतर करिवो
सीबीआई को क्राइम सीन रो फोटोग्राफ हस्तांतर करिवो। ऑटोप्सी रिपोर्ट भी सीबीआई को देबो मुंबई पुलिस। ए आदेश महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस को आईना देखाइबा पड़ी। सीबीआई तदंतरे असहयोग सबुठारु बड़ अदालत को आदेश रो अवमानना हेबो। बहुत खुश हूँ मैं, पूरा देश खुश है, पूरा बिहार के लोग खुश हैं, पूरे देश के लोग खुश हैं। न्याय की जीत हुई है, सत्य की दूर गई, ताक की जीत हुई है। लड़ाई जो सत्य के लिए हम लोग लड़ा उसकी जीत हुई है। और बिहार में तो बहुत ही खुशी है, घर घर में खुशी है। लगता था जैसे बिहार के हर घर का एक बेटा मर गया है, तो लोगों को खुशी है और देश में भी बहुत अच्छा मैसेज गया है। फैसले के क्या मायने निकाले जाने चाहिए? इसका मायने निकालना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि मुंबई पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, इसलिए उसने सीबीआई को दे दिया। और मुंबई माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि बिहार पुलिस जो काम कर रही थी वो विधि सम्मत था। मुंबई पुलिस तदंतर तरीका ऊपर भी प्रश्न करिछन्ते सुप्रीम कोर्ट, अर्थात सुशांत परिवार और बिहार सरकार आत्मविश्वास सुप्रीम कोर्टंकर एही राय परे अधिक बढ़िथिबो। अनेपटे मुंबई पुलिस समस्तंक थारु नाना कथा सुनिबो। एबे जानिबा सुप्रीम कोर्टंकर राय आसीबा परे एबे कोन करि पारे सीबीआई। सुशांत मामलार तदंत संपूर्ण भावे सीबीआई ही करिबो। मामलारे मुंबई पुलिस रो कोनोसी हस्तक्षेप रहिबो नाही। समस्त अभियुक्तंकु पचरा उचरा करिबो सीबीआई। सुशांतंक पूर्वतन सहयोगी और हेल्परंकु पचरा उचरा होई पारे। अभियुक्त रिया चक्रवर्तीकु सीबीआई गिरफ करि पारे। बॉलीवुड सह संपर्कित केतक व्यक्तिकु पचरा उचरा करि पारे सीबीआई। 14 जून घटनार सीबीआई रिक्रिएशन करि पारे। एफआईआर रे सुशांतंक परिजन करिथिबा अभियोगर तदंत हेबो। सुशांतंक बैंक खाता सह संपर्कित डिटेल्स रो भी तदंत करा जिवो। ब्युरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। खूब शीघ्र सुप्रीमकोर्टे आरंभ हो प्रत्यक्ष शुणी, अर्थात भिसी जरिया नुहे मुहांमु मामलार विचार करेंगे अदालत। तेज यह परीक्षामूलक भाव आरंभ हो प्राय 4 मास अधिक समय पर खोल कोर्ट रूम। तेज यह पूर्व भाई स्वाभाविक नक केतक गाइडलाइन रखा। अगस्ट 11 होता विचारपति बैठक में यह परीक्षामूलक कोर्ट आरंभ नहीं निष्पत्ति निया सूचना मिली। 3 बड़ कोर्ट रूम सप्ताहक प्रस्तुत होगा। तेज एथिरे सामाजिक दूरता सह अन्य मेडिकल उपदेश को कड़ाकड़ी भाव में पालन कर सीमित संख्यक मामला जहाँ विचार प्रक्रिया शेष पर्यायर पहुंची प्रथम तार विचार होदि स्थित स्वाभाविक रुहे तो बढ़ावा उपर विचार होना संक्रमण को नजर रखी 23 भिसी जरिया मामलार शुणी करप्रीमकोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजनार लाभ पाऊना प्रकृत हिताधिकारी बासहीन तथा गरीबों को योजन घर मिलूनवा बेले धनी लोकों लाभ मिलू अभोग आसी सुवर्णपुर जिला बिनिका ब्लक्रु बाबूपाली पंचायतर हाड़ू प्रधान ना एसीसीसी तालिकार थे आज सुधा तक पक्का घर खंडे मिल पारे। हाड़ू प्रधान समेत गाँव में एमती अनेक परिवार अच्छा जहाँ घरद्वार ना चाल कुड़िया घरे रही जीवन बिताऊँ अनेक प्रभावशाली व्यक्ति एकाधिक थर सरकारी घर हाथ नहीं अभियोग हो गाँ लोक अभियोग अनुसार जी लाच दे पारा से घर पाँच सहित स्थानीय सरपंच निज पाख लोक आवास योजन घर जोगा देखते सेपटे तालिकार ना थी घर पाई ना लोक तुरंत घर दिखाई जिलापा घर भांगी जाए बता बस सब पड़गला पैसा काटी पड़गला आप विचार कर मरमु। हाड़ू प्रधानी मान बहुत सुविधा हो घर खंडे भी ना पाइबार बहुत बर्षे हलान आर असुविधा रोजन सरकार कौन सी जनाले भी ना सुनवार सेटा इन जनरल अपन जदि एमती कहबे कि सबु एरिया रे सेटा आई विल नॉट एक्सेप्ट किछि पॉकेट सेमिटी थाई पारे जोठी किछि प्रॉब्लम मे बी अछि समीक्षा करे कि देखिबा एवं डेफिनेटली जा भी गवर्नमेंट एंटाइटलमेंट तांको पाखरे अछि सेटा मे तांको पहुंचाइ देबै। सेपटे जो देखा जाए लॉकडाउन समय बौद्ध जिला कंटावाड़ ब्लॉक सुवर्णपाली गाँव में प्रस्तुत हो क्षुद्र चलचित्र
चलित वर्ष मैट्रिक पास करथिबा पिला माने निज प्रचेष्टा रे एक क्षुद्र चलचित्र निर्माण करी भारतीय सैनिक प्रति थिबा सम्मान एवं गर्व को लोकलोचन को आणिछंती। ए फिल्म रे जने जवान किपरि निजर परिवार को छाड़ी देश पई लड़ुछंती, निज साथी मानक सहित किभली देशर सुरक्षा पई आतंकवादी सहित मुकाबला करछंती ए चलचित्र कहा दर्शा जाइछ। शेषे जे जवान आतंकवादी सहित लड़ी शहीद होगापर मर शरीर को शेष सम्मान जनाई परिवार को हस्तांतर कर चलचित्र क्षुद्र चलचित्र मनमुंडा ब्लक सुवर्णपाली गाँव सुनु मेहर, सुमिनता मेहर, शुभ्रांशु महाकुड, पिंटू मल्लिक और निखिल सेनापति अभिनय करता बेले सर्वदमन साहू अभिनय सह निर्देशना दे। यही सर्ट फिल्म करने समय आम कोरोनार समस्त कटका मानिअु समस्ते मास्क परिधान करते क्रू मेम्बर मास्क परिधान करते फिल्म सुटिंग करने आम एक रताखंडी पर्वत उपर करूँ जहाँ कि निरोला अंचल है से लोक भिड़ देखा जा नाला मुझ जवान रोल करो सांग भी युव जवान रोल करें समस्ते दशम श्रेणी पास आउट पाने तो ए मो नानी सुनीता मेहर मो माँ रोल डायरेक्शन देखते सर्वदमन साहू। चाष कम जार केड़े सुख तहार जहाँ को अक्षर अक्षर प्रमाणित करते जाजपुर जिला रसुलपुर ब्लक बाहबलपुर गाँव रुवचाषी शिशिर कुमार राउत ग्राजुएसन पाठ पढ़ापर चाकरी पचर न धाई शिशिर लग पड़े निज फार्म हाउस एवं से जड़े सफल चाषी भाव बे सुनाम अर्जन कर टिके भल भाव देखते फार्म को फार्म लगी किसम किसम पनीपरिया कलरा पोटल झुड़ंग बैगण क्याप्सिकम लंका टमाटो भली भिन्न भिन्न प्रकार पनीपरिया आंब पिजुड़ी काजुबादाम अमृतभंडा कदमी नड़िया आदि अनेक प्रकार उद्यान कृषि उपर प्राधान्य देखिले पेट पूरी जाउची। फार्मटी करिछंती जड़े शिक्षित युवचाषी जाजपुर रसुलपुर ब्लक बाहबलपुर गाँव शिशिर राउत ग्रेजुएशन कंप्लीट करिबा परे चाकरी पछरे न थाई शिशिर लागी पड़िथिले निज व्यक्तिगत कृषि फार्म रे। आज से जने सफल चासी भाबरे निज परिचय सृष्टि करि पारिछंती। बजारे भी तांको पनीपरिया बेस चाहिदा अछि। पनीपरिया उद्यान कृषि करि से आज निज को स्वावलंबी करि पारिछंती। अन्य मानक पई से आज प्रेरणा पालटिछंती। हे चासरे मोर टिके दुर्बलता थिला तनु ग्रेजुएशन कंप्लीट करे मु आउ चाकरी पछरे न गोडेगी मुझ चाष करा निष्पत्ति नेली जो गोटे भाग बार गुंठ मोर झुड़ंग हो बार गुंठ रे पाखापाखि चार टन रु साढ़े चार टन बर्तमान अमल बर्तमान से तार हूँ बुद्धि बल रे ज्ञान कौशल रे से सब ये जो विभिन्न प्रकार सब हूँ झुड़ंग कलरा क्याप्सिकम लंका भेंडी विभिन्न प्रकार फसल करी से समस्त उदाहरण सृष्टि कर चाष कामरु भी जने भल अर्थ उपार्जन करिपारे चाकरीरु जहाँ न मिली पारिब ताहा चाषरु ही मिली पारिब एकथा प्रमाण करि देखाइछन्ती शिक्षित युवचाषी शिशिर राउत निज निष्ठा और परिश्रम जोगु शिशिर आज इस स्थान रे पहुँची पारिछन्ती। जलसेचन व्यवस्था ठारु आरंभ करि अत्याधुनिक प्रणाली रे कृषि कार्य करि से आज लाभवान होई पारिछन्ती। साहि पडिसाक ठारु आरंभ करि ग्रामवासीक पर्यंत समस्तक मुखरे शिशिरक प्रशंसा सेपटे फार्म रे नियोजित श्रमिक मध्य एठु अर्थ उपार्जन करी निज परिवार प्रतिपोषण करि पारुछंती। शिशिरंकु एथिपई विभिन्न स्तररो सहयोग मध्य मिलि पारुछि। शिशिरंक एभली उद्यम जारी रहिले आगकु मध्य आहुरी अधिक सहयोग मिलिबो बोली सरकारी अधिकारी कहिछंती। 3 वर्ष पर हे गलानी काम करजु आ भलो मालिक भी आ विभिन्न प्रकार फसल करंती 3 वर्ष पर हो गलाने आम काम करवा जहाँ भी कहबू ता भी मजूरी दे देबे सांगे सांगे जे अन्य चाषी मानक पे गोटे आदर्श हिसाब रे विभिन्न प्रकार प्रोग्राम ट्रेली माध्यम रे तांकर काउ पी करछंती आमे सेतरे ड्रिप इरिगेशन प्रीमियर इरिगेशन माध्यम रे मध्ये दिया हिची 90% सब्सिडी रे मध्ये से पाइछंती। चाषी मानक प्रोत्साहन जगाई देबाकू सरकारी स्तर रे विभिन्न प्रकार योजना कार्यकारी करा जाउची। बेकार युवक माने चाकरी पछरे न जाई कृषि कार्यरे मन बळाइले जिल्ला तथा राज्यरु बेरोजगारी समस्या दूर होई पारिबो जहां शिक्षा देइछंती ई शिक्षित युवचासी। जाजपुरर सुजित मल्लिक न्यूज एक्नोडिया। अनुगुलर पुरुणागढ़ छेंडीपदा अंचल रे हाथी आतंक विभिन्न गाँव में पशि फसल नष्ट घरद्वार भांगी देउछंती जहाँ को नहीं चिंतार ग्रामवासी से बारंबार अभियोग पर वन विभाग हाथी घोड़ेबा को कौन पदक्षेप नेउनथिबा अभियोग करिछंती अंचलवासी।
ଦେଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କ। ପୁରୁଣାକଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ତୁମୁଣି, ଚମ୍ପତି ମୁଣ୍ଡା, ମାଟିଆ ସାହି, ନୂଆ ସାହି ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳର ବାଘେଡ଼ିଆ, ଖମାର, ପାତ୍ରପଡ଼ା ସମେତ ଅନେକ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ପଶି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଫସଲ। ଯେତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତିରେ ଗାଁରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ। ସେପଟେ ହାତୀଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୁଁ ହାତୀ ଦେଖିଲେ ଆମ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏଇପଟେ ହେଇନା, ଏଇପଟେ କ୍ରସ୍ କରୁନା, ତାଳ ଖାଇଲେ ତାଳ ଖାଇଲେ ହେଡ଼ୁ ହାତୀ ତଥାପି ମୋତେ ଢାକି ଦେଖିଲା, ଟିକେ ଡରେଇ ଡୁରା ଦେଲା। ଆମେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳୁଛୁ, ଆମେ କୁଠୋର କେତେବେଳେ ହାତୀ କେତେବେଳେ ଶୁଉଛୁ ବି। କଦଳୀ ଗଛ, ସେ ବାଦାମ୍ବ ସବୁ ମାଡ଼ି ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଖାଇକିରି ଗଲେ। ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାକୁ ସକାଳେ ଜଣେଇଲୁ ଯେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ତୁମ ଗାଁକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ନା କ'ଣ, ତୁମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ସେ ଏହା କହିଲେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଛୁ ଆଉ ଆଉ ବାଦାମ୍ବ, ହରଡ଼, କଦଳୀ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜହ୍ନି, ମକା ଯାହା କରିଥିଲୁ ସମୁଦାୟ ସଫା ଆଉ। ପୁରୁଣାକଡ଼ ଓ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାତୀପଲ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିର ରେକର୍ଡ ନଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଭାଗ ବି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନି। ଏହା ଛଡ଼ା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାତୀ ଆସିଲା 11 ବେଳେ, ଆମ କଦଳୀ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଆମକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ସାରୁ ସୁରା ମାଡ଼ିଦେଲା, ସାରୁ ଆମର ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚିଟେଇ ଦେଇଛି, ହଳଦୀ ଗଛକୁ ଚିଟେଇ ଦେଇଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଏସବୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, କେମିତି କରାଯାଉ? ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ନେଉନି ସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲିରେ ଥିବା ସ୍ମୃତି ସଦନରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ସେପଟେ ପ୍ରକୃତି କବି ପାର୍କର ଉନ୍ନତି ନାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତି କବି ପାର୍କରେ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଏଣେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଅଦାଲତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲିରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ସମାଧିପୀଠ ଓ ପ୍ରକୃତି କବି ପାର୍କର ଉନ୍ନତି ନାଁରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ଅଫିସର। କବିଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ହେଲେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଏନ୍ଏସି ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି। ସମାଧିପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇକି ସବୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ହୋଇକିରି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରିକରି କହମା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକରି କହମି, ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ଶାସନ ଦୁହିଲୁକର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଲାଗି ଆଜି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରର ଯେ ନାଁ କମିଛନ୍ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହିସାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍। ବରପାଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ 2002 ମସିହା ନଭେମ୍ବରରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାର୍କରେ ଥିବା ଜଳଫୁଆର ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ମୃତି ସଦନରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଆଉ କବିଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ପୁସ୍ତକ, ହାତଲେଖା କବିତା, ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଆଦି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଅବହେଳା କାରଣରୁ ସମାଧିପୀଠ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବରପାଲି ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବରପାଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବ ସେଭଳିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେତିକି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ବୋଧେ କାମ ହୋଇସାରିଥିବ। ମୁଁ ତ ନୂଆ ଆସିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଫଣ୍ଡ ଲାଗିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
सरकार पाखे नवेदन रहिबो पांठी देवा पे। कवि गंगाधर मेहर पर्यटन स्थली समाधिपीठ और प्रकृति कवि पार्क उन्नति नाँ व्यापक दुर्नीतिर उच्चस्तरीय तदंत कर दोषी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने यार उन्नतीकरण पर सरकार तुरंत विहित पदक्षेप ने दावी हो। बरगढ़ जिला बरपाली रंजन कुमार देवता न्यूज 18 ओडिया। लॉकडाउन आणला रोजगार पंथ नुआ उपाय रोजगार पर चिंता कले मालकानगिरी युवपीढ़ी ई कमर्स वेबसाइट प्रस्तुत कर लॉकडाउन बेले लोकों पाखे पहुंचाऊ अत्यावश्यक सामग्री। कोरोना बढ़ाई सृजनशीलता मोबाइल और इंटरनेट पलटि आवश्यकता केवल से नुहे यह लोकों दैनंदिन जीवन को अधिक सहज मालकानगिरी किसी युवक युवती आधार कर प्रस्तुत कर एक वेबसाइट गो फटाफट गो जहां मालकानगिरी जिलावासी को समस्त आवश्यक सामग्री हाथ पांतरे जोगाई पारुछि अल्प समय रे ऑर्डर द्वारा मिलुछि सबु सामग्री। यार मूल उद्देश्य होला आमे घरे घरे लोकों पाखरे सर्विस जोगे माने तांकर जहां जहां जिनस दरकार जेमती कि पनीपरिया फल एमती कि ड्रेस ड्रेस गुड़ाक भी नहीं कि आमे तांकर घरे जगेबू निजर किसी मैंने जमीक आम फाइनेंशियल सपोर्ट पे और फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट पे आम जॉइन करूँ और ता सहित आम चेष्टा करा चाहूँ जो आगे को जमीका आम लोकों किसी साय करोना टाइम देख लु जो सब दुकान बजार बंद हो जाए लोक मैंने ये हूँ असुविधार सम्मुखीन होती जिनपत आने डेली एसेनसीयल्स पाइबापू बहुत ये हूँ असुविधा हो तो से अनुसार आम भाविलु कि गोटे फास्ट सोशल सर्विस गोटे स्टार्ट करवा तो कौ टाइप सर्विस एवं दि जाए पारे से आम ये जिनसटा को स्टार्ट कलु। स्थानीय अंचल रे एही ई कमर्स वेबसाइट एबे बेस ग्रहणीय होईछि एहाकु अनेक प्रशंसा करछन्ति आउ एहा माध्यम रे प्राय 50 जन युवक युवती आत्मनिर्भरशील होई परिछन्ति। वर्तमान जेहेतु आमे नुआरे एटा गोटे संगठन गोटे तयारी करछु ए जो समाहार गो फटाफट रो तो वर्तमान आमे ऐड करिछु वेजिटेबल्स आउ ग्रोसरी आइटम तो आगो को आउ बहुत किछि आइटम भी मिसिवार अछि तो न्यूली आउ गोटे ऐड होईछि आमर क्लोथेस उपरे ऐड होईछि तो आगो को एमती भी जारी रहिबो एटा केवल मालकानगिरी जिल्ला पे होउछि आउ दरकार पड़ले समस्त सहयोग मिलले आमे मालकानगिरी बाहर आम ए बिजनेस टाक चलई पारिबो एथेरे आमे केवल वेजिटेबल बोल कि नहीं कि ग्रोसरी नहीं ग्रोसरी ठू आरंभ करके लुगापटा पर्यंत सब जिनस देबाको चेष्टा करछु होलसेल प्राइस रे। एही वेबसाइट रो नाम भली यहा फटाफट लोकों पाखरे सामग्री पहुंचाउथिबारु समस्त प्रशंसार पात्र होई पारछि। मालकानगिरी रु महेंद्र पाणिग्रही न्यूज 18 ओडिया। दृढ़ हेब अनलाइन पाठ पढ़ा को नहीं समस्या खूब शीघ्र रायगढ़ जिलार आरंभ हो शिक्षा संपर्क व्यवस्था गाँ को गाँ जाई पाली करी पिला पाठ पढ़ाइबे शिक्षक सरकार का एभली नुआ पदक्षेप को विभिन्न महल रु करा जाई स्वागत। कोरोना पाई ठप होइकला पाठ पढ़ा एही दृश्य हेउची रायगढ़ जिलार 22 पंचायत पाठ न पढ़ी पारी केउ छात्र गाय चराइबारे व्यस्त त आउ किए बिल काम रे बापा मां को सहयोग करूछे स्कूल बंद हेबा परे राज्य सरकार को पक्षरु आरंभ होइथिला ऑनलाइन पाठ पढ़ा हेले दुर्गम अंचल रे टावर नथि पारु हजार हजार छात्र छात्री एथिरु वंचित हेउछंती आउ जेउ अंचल रे टावर आसुछे सेठी पिलां को पाखरे नाही स्मार्टफोन जिल्ला रे 1753 टी प्राथमिक ओ उन्नत विद्यालय रे पढुछंती प्राय 86,365 जन छात्र छात्री तेबे स्कूल बंद जो को एमानक पाठ पढ़ा मध्य ठप ऑनलाइन क्लास सरकार हम पाई व्यवस्था कर देले किंतु हमें से क्लास कर पार छु मन नै टावा हमर बाइसिंग ग्रामर सेते नै तेनु पिला मनकर भी टिके पाठ पढ़िबार असुविधा हो जाउ छै। कोरोना वायरस पाई स्कूल बंद हो गेल आरो हम पाठ पढ़ पारल नै सर हमर घर पाठ पढ़ेले भी ऑनलाइन पाठ पढ़ेले भी मोबाइल नाइ टावर आसुना सर आम को सरकार कौन गोटे कहले भल रायगढ़ जिलार प्राय 70% छात्र छात्री दुर्गम अंचल तेणु एम पाखे पहुंचुनी ऑनलाइन पाठ पढ़ा व्यवस्था तेबे खूब शीघ्र राज्य सरकार आरंभ करने को शिक्षा संपर्क व्यवस्था एही व्यवस्था अनुजाई शिक्षक माने पाली करी गाँ गाँ बुली छात्र छात्री को पाठ पढ़ाइबे ग्राम पंचायत गृह कोठाघर किंबा भागवत टुंगीरे पिलांकु पढ़ाइबे शिक्षक शिक्षयित्री सरकार को एपरी नुआ पदक्षेप को
शिक्षक महल रे स्वागत करा जाय छे। गाँ गली विशेषकर मोबाइल नेटवर्क तो बहुत जगह लागू ना पे पाठपढ़ वंचित होती तेणु एपरी पदक्षेप ने निश्चित पिलांकर पाठपढ़ा ठीक भाव चलो और पिलाने बहुत उपकार पाए सरकार पदक्षेप बहुत ग्रहण योग्य एवं उचित पदक्षेप आम मन कर शिक्षा संपर्क योजना बर्तमान सरकार निश्चित स्वागत योग्य पदक्षेप शिक्षक मैंने गाँ गाँ जा पाँच जो शिक्षादान देवे ए पाला निश्चित उपकृत हे। ऑनलाइन परे एबे आरंभ हेबाकु जाउची शिक्षा संपर्क व्यवस्था एहा द्वारा अपहंच इलाकार छात्र छात्री उपकृत हो पारे। रायगड़ा निरंजन पाल न्यूज 18 ओडिया। समय सदुपयोग घरे सृष्टि कले सबुज प्रलय पांच बखरा घरे शहे प्रजातिर गछ इंडोर प्लांटेशन करी स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिसेंति उत्कल चैंबर अफ कमर्स उपसभापति अशोक कुमार सारदा। घर भितरे सबुज बलय चारियाड़ी सबुजिमा जुआड़े देखिबो सियाड़े ग्रीन आउ ग्रीन भितर को प्रवेश कले आपण को लागिबो एहा घर नुहे एक ग्रीन करिडर एमिति एक वृक्ष राजीर परिवेश देखिबा को मिलिछि किट छकरी थीबा ग्रो ग्रीन हाउस रे औषधीय वृक्ष ठारु आरंभ करी घर करणा गछ लागिछे घर भीतर दुर्गंध तथा भूताणु को दूर करी पारे सहायक हेउची एही गछ। विश्व सारा गुडे एबे आलोचना चलछि ग्लोबल वार्मिंग को नेगिरि केमिति आमे परिवेश को बचेबा जे माने बड़ बड़ अपार्टमेंट्स रहंते से माने आसंते से माने को खुशी लागे से माने नेगिरि जानते छुआ मान को सांगे छुआ माने भी भारी खुशी होंते नुआना प्रकार गछ नुआ प्रजाति रो गछ देखला बळ को तांगो भारी खुशी लागे। गछ आम जीवन दिए पानी पवन चाकिरी रो अवसर देबा परे इंडोर प्लांटेशन उपरे मरनिवेश करथिले अशोक मार्च मासरु आरंभ करिथिबा एही प्रयास आजि तांकर सफल होइछि पांच बखरा घरे प्राय 100 प्रकारर गछकु नै तांकर ए प्लांटेशन छि आमर पुनेरु भी मगेछु बेंगलुरु मगेछु विभिन्न जगारु मगेछु काहे कि सेमानक पाखरे नुवा नुवा हाइब्रिड तयार करछन्ते सेमाने जोटा कि आमे एबे करिउनु किंतु आमर निजर भी गोटे प्रोडक्शन सेंटर अछि आमे गोटे अट्री पाखरे गोटे फार्म अछि जोटा कि आमे निजे मध्य किछिटा गछ चारा रोपण करछु जोटा कि मल्टीप्लाई करछु आउ नुवा नुवा चारा जोटा कि थाईलैंड रे होउछि किंबा सिंगापुर रे होउछि एभले चारा भी आमे आनिबार योजना रे अछु। घर भितरे सबुज बळय मनकु प्रफुल्ल रखिबा सह शरीर सुस्थ रखिबारे बेस सहायक होइथाय बोली कुहंती अशोक सारदा। भुवनेश्वर कैमरामैन संजय साहूंक सह महेश प्रसाद नंद न्यूज 18 ओडिया। दानर मिलिथिला बगला धर्मशाला कोटि कोटि टंकार संपत्ति मिलिथिला भक्तंक रहिबा लागि 110 वर्ष धरि सबु किछि ठीक थिला किंतु ए जमीरु किछि जमी एबे श्रीजगन्नाथ ऐतिह्य करिडर प्रकल्प रे विस्थापितंकु दे दिया जायछि जहाकु नै एबे सृष्टि होइछि विवाद। पूरी बड़दाण्डरे भक्तंक रहणी व्यवस्थाकु दृष्टिरे रखि 1905 मसीहारे बगला धर्मशाला तयारी कराइथिले कन्हैयालाल बगला। 2.5 एकर मूल्यवान जमी सह कोटि कोटि टंका व्ययरे निर्मित एही धर्मशाला जिला प्रशासन और लॉजिंग हाउस फंड को दान करथिले। चुक्ति थिला भक्त मानंकु स्वल्प मूल्य रे रहिबा पई सुजोग दिया जिवो। एक समय रे एठारे 1500 रु अधिक भक्त रहिबा लागि व्यवस्था थिला। 110 वर्ष धरि एहाकु परिचालित करथिला लॉजिंग हाउस फंड। 2018 रे राज्य सरकार लॉजिंग हाउस फंड को पौर संस्था सहित मिश्रण करबा परे मालिकाना चली जाइथिला पौर संस्था हातकु। एबे चुक्ति खिलाफ करी एही मूल्यवान जमी को प्लॉटिंग करी अन्य को प्रदान करछि जिला प्रशासन। श्रीमंदिर चारिपाखर 75 मीटर सुरक्षा करिडर रु उच्छेद होइतिबा लॉजिंग मालिकों को बगला धर्मशाला जमी रे प्लॉट आवंटन करबा को निष्पत्ति होइछि। समुदाय 2 एकर 574 डिसिमिल जमी रु 340 डिसिमिल जमी को भीतर सेवायत निजोग समेत 6 जन लॉजिंग मालिकों को प्रदान कर दैछि। तेब दानर मिलिथिबा जमी को बेआईन भाबे प्लॉटिंग करा जायथिबारु एहा विरोधरे हाईकोर्ट को जायछंती सामाजिक कर्मी जगन्नाथ बस्तिया। एबे मामला विचाराधीन थिबारु जमी को अन्य को प्रदान करा जिबा को नै उठिछि प्रश्न। बगला धर्मशाला रो जो आउ गोटिए कोठा अछि से जमी उपरे ताकु भांगी जमी समतल करिया पई जिलापाल
ओडिशा सेतु निर्माण निगम को गोटे चिठी लिखिंट जदि द्वितीय धर्मशाला कोठाटी भांगी दिया जाए ताले बगला धर्मशाला अस्तित्व एवं परिचय संपूर्ण निश्चिन्न हो बगला धर्मशाला जेहेतु सरकार केयर टेकर ताको जड़े व्यक्ति दान कर पर्यटक तीर्थयात्री से जमी को सरकार आउ बिक्री करूँ ना 60,000 भक्त रहा आरंभ विभिन्न योजना जो करश्चित भाव में आम्हे भी त्याग करमें त्याग कलापर माँ मुख्यमंत्री जो प्रकार अनुरोध आमको करें आम भी आम से सब संपत्ति त्याग करुलन यज्ञ किसी नुहे 2018 बगला धर्मशाला नवीकरण करने लगी पुणा कोठा को भांगी श्रीजगन्नाथ विश्राम स्थल निर्माण लगी स्थिर होता प्रसाद योजन 18 कोटी टंका अनुदान आसी काम आरंभ करथिला ओडिशा सेतु और निर्माण निगम हेले डिजाइन रे परिवर्तन करा जिबा आळरे एही कार्य बंद रहीथिला परे एही जमी को भितर सेवायत निजोग और लजिंग मालिक मानक नारे कबला करा दैछि आगकु ए जमीरु आउ किछि मध्य कबला करा जिबा आशंका रहीछि तेबे प्रशासन कहिछि बळका 2 एकर 200 डिसिमिल जमी रे भक्त निवास रो योजना रहीछि एहाकु बहुतल प्रसाद विशिष्ट करा जिबो एथिरे पूर्व तुलना रे अधिक भक्त रहिबे दान तो आम भी करूँ आम दान देलापर जब अलग क्या दब से आम कि आज जो मंदिर चतुर्पाश्व उन्नतिकरण होमती होमें प्रथम आगे रास्ता देखल ओडिशा सरकार को धन्यवाद आमको भी से हिसाब से नहीं से सब कार्य करवा दरकार कौन सी सरकारी जगह जदि कौन रिहैबिलिटेशन पॉलिसी हम सरकार अनुमति नहीं तेणु आमर जाइला अनुमति सरकार दे ट्रांसफर करने अन पेमेंट अफ बेजवान वैल्युएसन तेणु से ही अनुसार जो अभोग आिलापा बिकी बोली जिलापा सरकार अनुमति नहीं जहाँ प्रोसेस अनुसार आईन अनुसार कराई बगला धर्मशाला जमी संपर्कित हाइकोर्टे चली मामलें राज्य सरकार को जारी हो नोटिस मामला विचाराधीन या बेले जमी बिक्री करने को नहीं एवं बदले छंदी हो जिला प्रशासन पुरीर कैमेरामैन अमरेन्द्र मिश्र अक्षय मिश्र न्यूज 18 ओडिया समय बुलेटिन बर्तमान खबर को नमस्कार।